शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाचपौली पुलिस थाना अंतर्गत वाहन चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें पाचपौली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। शहर में आए दिन चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। पाचपौली पुलिस थाना हद में वाहन चोरी की वारदात 8 जुलाई बुधवार को सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बाड़ावोपेट कबाड़ी लाइन में सस्ते दामों पर गाड़ियों की बिक्री की जा रही है। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन करने पर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आगे की जांच पाचपौली पुलिस कर रही है। 8 तारखेला एक एक्टिवा गाड़ी चोरीला गेली, तो गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सदर गाडीचा तपास एपीआय सुरक्षेसोबत एसी प्रेमदास स्वदेशी पाडे तपास करत असतील। तपासामध्ये त्यांनी टोटल 6 गाड्या रिपोर्ट केल्या, त्याच्यामध्ये 4 पल्सर आहे, 1 होंडा स्प्लेंडर आणि एक ॲक्टिवा। टोटल 4,30,000 माल जप्त केला, त्याच्यापैकी 2 गाड्या मानकापूरच्या आहे, कळमनेच्या आहे आणि 1 सावनेरची आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज, नागपूर।